पावर सेक्टर में ना अलग अलग डिवीजन है, जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा फिर एंसिलरीज भी हैं। आपको पावर सेक्टर में से कोई अच्छी सी पसंदीदा कंपनी आपकी कौन सी है? ध्यान रखिएगा एक फाइनेंस वाला हिस्सा भी है, तो फाइनेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन है, तो आपको कौन सा पसंद है? और एक शेयर बता दीजिए अगर जो पसंद भी हो आपको। लेट्स टेक फाइनेंशियल में मुझे आरईसी काफी अच्छा लग रहा है। इवन एट करंट लेवल्स मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। सो अगर सब में लेना है तो आरईसी वुड बी द टॉपिक ये पूरा पूरा पावर सेक्टर में। ऐसे टाटा पावर भी अच्छा है। सो आई थिंक यू कैन टेक योर पिक। ठीक है, REC और टाटा पावर दो शेयर हो गए जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। ऑल्दो ये दोनों थोड़े स्लो मूवर हैं, बट REC ने इस बार काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाया है। आप एक बार ज़रा REC का चार्ट दिखा सकते हैं पिछले 3 महीने का या 1 मंथ का, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि शेयर कैसे चला हुआ है। टाटा पावर एक ब्रेकआउट दिया हुआ शेयर है, ये थोड़ा सुस्त हो गया है। आप देखिए 3 महीने में 64% एक सरकारी कंपनी से, वो भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से, तो कई बार विश्वास नहीं होता। तो इसलिए जब आप इस शेयर्स के अंदर आएँ तो थोड़ा हिस्ट्री चेक करके आएँ, ऐसा ना हो कि आपको लगे मैं ले रहा हूँ, मैं सबसे बुद्धिजीवी हूँ, ऐसा नहीं है। 3 महीने पहले भी जिन लोगों ने लिया है वो 64% का गेन लेके ऑलरेडी बैठे हैं, तो उनका रिस्क और आपके रिस्क में फ़र्क होगा। 1 मिनट के लिए ज़रा टाटा पावर दिखाइएगा भाई, 1 महीने के चार्ट पे। अच्छा किया शायना ने इस शेयर का नाम भी बोल दिया, क्योंकि मेरे को इसी के बारे में पता करना है। राजेश सर, इसका ब्रेकआउट आया था 215 के आसपास, 233 245 तक भी गया है शेयर। हाँ, अभी ये वापस ठंडा हो रहा है या फिर ये चलता रहेगा? राजेश सर, ये सवाल आपसे है, टाटा पावर 215-20 का ब्रेकआउट के बाद अभी क्या किया जाए? ये कूल ऑफ हो रहा है या और चलेगा? डिप्टी जी, थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टरबेंस है, मैं आपका स्टॉक का नाम नहीं सुन पा रहा हूँ। शेयर का नाम टाटा पावर। बिल्कुल, तो टाटा पावर में तो एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद पिछले 3-4 हफ्तों में देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से बुलिश है। हमें लगता है ये जो डिप मिली है, माइनर डिप पिछले 1-2 हफ्तों में, वो एक अपॉर्चुनिटी है वापस से ये स्टॉक को बाय एंड एक्युमुलेट करने की। यहाँ पे हमें लगता है जो इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब है 225 के आसपास। तो जब तक ये लेवल इंटेक्ट है, यहाँ पे जो भी छोटी मोटी गिरावट बन रही है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऑन द हायर साइड अगर हम स्टॉक को देखें तो 240 का लेवल जैसे ये निकालेगा और उसके ऊपर वीकली क्लोज होंगे तो ये स्टॉक में फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा और ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट फिर 255-60 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल टाटा पावर में बाई की पोजीशन बनाई जा सकती है, 225 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। पर आपकी बाय रिकमेंडेशन होगी आज?